करवा चौथ पूजा कब है, 13 या 14 तारीख को। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू तिवारी अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और कुछ अच्छी जानकारी के साथ आज आई हूँ अपनी बहनों के लिए एक प्यारी सी वीडियो लेकर। आशा करती हूँ कि आप लोग जो भी चैनल पर नए आते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज की वीडियो है कि हमारी बहन अनु गुप्ता ने पंजाब से पूछा था कि दीदी करवा चौथ कब है। वीडियो थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मेरे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम थी, मैं नहीं शेयर कर पाई, लेकिन फिर भी अभी टाइम है मेरे पास तो मैं शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि हमारी बहन को और आप सभी को हमारी बात ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैं बताऊँगी कि करवा चौथ फर्स्ट बार जब रखते हैं तो मायके से क्या क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए, कहाँ के सामान से पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद कितनी तारीख हुई। क्योंकि इस बार मेरे हिसाब से तो काफ़ी दिनों बाद जो है, हर साल एक ही दिन को पड़ता है, इस बार 2 दिन है, कन्फ्यूजन है। तो पूजा कब करनी है और किस दिन आपको व्रत रखना है, पूरी जानकारी पाने के लिए कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, स्किप जरा भी नहीं करते हैं, तो ही बातें अच्छे से समझ में आएंगी। और प्लीज़ पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करिए कि हमारी बात आपको कैसी लगी जानकारी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि पहला व्रत जब करवा चौथ का हमारी बहनें रखती हैं, शादी से पहले ये व्रत रखा नहीं जाता, शादी के बाद ही सुहागिन बहनें ही यह व्रत रखती हैं। तो सुहागिन बहनों के लिए जब पहला करवा चौथ होता है उसमें सारी सामग्री मायके से आती है, सास के लिए जो भी है सिंगार और साड़ी कपड़े वगैरह, और आपके लिए दोनों चीज़ करवा चौथ मतलब करवा से ले करके 16 सिंगार से ले करके साड़ी, नारियल, मतलब जितनी भी सामग्री लगती है। तो सामग्री का वीडियो तो मैं अगर इसमें शेयर करूंगी तो फिर काफ़ी लंबा जाएगा। मैं यही बताना चाहती हूं कि फर्स्ट करवा चौथ जब आप रखते हो तो सारी चीज़ें मायके की होनी चाहिए, अपने लिए भी और जो आप अपनी सास या ननद को दान करते हैं पूजा में उनके लिए भी, और हो सके अगर अवेलेबल है उनके यहाँ भगवान ने दिया है आपके मायके में सारी चीज़ों से संबंध है तो आपके पतिदेव के लिए भी कपड़ा वहाँ से आना चाहिए। और पहला करवा चौथ देखिए, बीच में अगर आप जो है रख रही हैं तो पतिदेव घर पर नहीं है तो भी चलेगा, आप उनकी फ़ोटो, लेकिन अगर फर्स्ट रख रही हैं तो कोई भी व्रत अगर आप फर्स्ट रखते हो तो उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे कि करवा चौथ में फर्स्ट व्रत अगर आप रख रहे हैं तो पतिदेव घर पर होने चाहिए, वैसे हर बार होने चाहिए, लेकिन कहीं मजबूरी है, जॉब कर रहे हैं नहीं आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बार अगर आप रख रही हैं तो सारी चीज़ें आपके मायके की होनी चाहिए और पतिदेव जो है आपके साथ होने चाहिए पूजा के लिए। और वैसे भगवान करे कि सबका मायका हो, सबकी माँ हो, भाभी हो, माँ नहीं है तो वो चीज़ भाभी करेगी, भाभी वहाँ से सारी चीज़ें भेजेगी, आपको बोलना है कि हम इस बार करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं माँ या भाभी से, ताकि जो है आप तक आपका सारा सामान एक दिन पहले या उसी दिन सुबह पहुँच जाए। तो जब सारी सामग्री आपके मायके से होगी तो सिर्फ आपको व्रत रखना है निर्जला, जो है दिन भर पूरे दिन व्रत में पानी नहीं पिया जाता है, पूरे दिन व्रत में पानी नहीं पिया जाता है, नहाया धोया जाता है, नित्य कार्य जो आपका होता है पूजा पाठ वो सब कुछ आपको करना है, आपके घर में आपके जितने भी परिवार हैं खुश रहें उनके लिए खाना बनाओ, खिलाओ पिलाओ। लेकिन दूसरी मीटिंग का क्या होता है, आप पूरा भोजन अपने रसोई में बनाओ, यानी जितना भगवान ने आपको दिया है, पूरी कचौरी दाल चावल दही बड़ा सिवई जो कुछ भी भगवान ने दिया है, एकदम संपूर्ण भोजन आप अपने किचन में साफ सफाई से बनाएंगी। क्योंकि शाम को जो है पूजा के बाद खाना खाया जाता है, ऐसा ही नियम है व्रत में, तो फिर शाम का खाना वो चढ़ता भी है वहाँ पर, बनाया जाता है उसको, वहाँ पर चढ़ाया जाता है जब धार मतलब वो जल चढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद जो है व्रत तोड़ा जाता है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर भी लगती हैं, पूजा में सारी सामग्री लगती है आपको, तो सारा आपको साफ़ सफाई से अच्छे से शाम को खाना बना लेना है। और उसके बाद जो है चाँद के निकलने का करना है आपको इंतज़ार कि चाँद कब निकले, 9 बजे, कहीं कहीं प्रांत में अलग अलग समय पर चाँद निकलता है, शहरों में भी गांव में भी, ज़्यादातर मान्यता उत्तर प्रदेश में है करवा चौथ की, और इन सब चीज़ों को देख कर बाहर के लोग भी व्रत रखते हैं। तो ऐसा होता है कि कहीं 8:40 पर है, कहीं 8:50 पर है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, नियम जो है अलग है। लेकिन इस बार बहुत ही सिचुएशन अलग है हमारी बहनों के लिए जो व्रत रखती है, मैं तो नहीं रखती हूँ जो है, और क्यों नहीं रखती हूँ ये मेरी तबीयत के ऊपर निर्भर करता है,
मैं नहीं रखती हूँ। वैसे पति पत्नी में प्रेम बना रहे ये जरूरी नहीं है कि करवा चौथ व्रत रख करके ही उनकी जेब खाली कर दी जाए, यही प्रेम होता है जो है। लेकिन हाँ, जो बहनें रख सकती हैं रख रही हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है परेशानी नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। भगवान करें करवा चौथ माँ सबका सुहाग बनाए रखें और हमारी बहनें जो है पूजा पाठ करें, तो इससे बड़ी खुशी और नहीं होती है। जैसे बहनों के लिए जो भी हैं सुहागिनों के लिए कि उनका जीवन साथी उनका घर परिवार हरा भरा रहे और ये वो जो है ये पूजा अच्छे से कर सकें। अब बारी आती है कि इस बार करवा चौथ कितनी तारीख को है और क्यों इतना कन्फ्यूजन है जो है लोगों में। तो देखिए करवा चौथ जो है इस बार है 13 को मनाया जाएगा, 13 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जाएगा। तो इस बार जो है करवा चौथ है 13 अक्टूबर को और करवा चौथ लग रहा है, थोड़ा चढ़ाव उतार हो गया है जो है रात्रि के 1:59 से प्रारंभ होगा और अगले दिन यानी 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 तक ही रहेगा। हालांकि जो है करवा चौथ आप 13 अक्टूबर को ही व्रत रखेंगी। अब इसमें कोई शुभ मुहूर्त आप नहीं देख सकती हैं क्योंकि रात के 1 बजे लग रहा है, तो चांद आपके यहाँ जब उग जाए, जब भी चांद दिखे तो आप पूजा करिए। इसके लिए व्रत जो है 13 तारीख को ही रखा जाएगा। तो कंफ्यूजन में दोनों चीज़ है, अगर आप 14 में रखते हैं तो बिल्कुल भी वो मान्य नहीं है क्योंकि वो 14 को मतलब सुबह ही ख़त्म हो जाएगा और 13 का जो है वो रात्रि को लगेगा। तो कहते हैं उदया तिथि का तो मान इसमें हो नहीं सकता क्योंकि इसमें पूजा शाम को होती है और जिसमें पूजा शाम को होती है तो व्रत अगर शाम के टाइम में शुरू हो रहा है तो उसके लिए आप जो चीज़ कर सकते हैं। इसके लिए व्रत जो है 13 अक्टूबर को ही रखा जाएगा और तो आप जो है 13 अक्टूबर को व्रत रखेंगी हमारी सब सुहागिन बहनें और मतलब फर्स्ट रख रही हैं तो मायके से ही सारी सामग्री आपके आएगी और जो है सारा सब कुछ दिन भर ऐसा नहीं है। आप खुश रहो और पूजा पाठ करो, अपने परिवार को भी खुश रखो। ये नहीं है कि आप व्रत रख रहे हैं तो पूरे दिन कुछ काम नहीं करेंगे, किसी को खाना नहीं देंगी, पानी नहीं देंगी, गलत बात होती है। आशा करती हूँ कि हमारी दी हुई जानकारी हमारी सभी बहनों को पसंद आएगी। जानकारी पसंद आती है तो लाइक शेयर कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।